मैं सिर्फ हॉल के अंदर बैठे वालों को मुखातिब नहीं हो रही हूं, जो बाहर एलसीडी में देख रहे हैं आप सबको भी मेरा सलाम है। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे मेरे घर वापस बुलाने के लिए शुक्रिया। ऐसा लगता है मायके में आ गई हूं। और आज मायके में आके आई विश टू रिमेंबर आवर फोर मदर्स एंड फोर सिस्टर्स, मिस तर्वे एंड मिस प्रभु। क्या जोड़ी थी, क्या सपने थे, उनके सपने साकार हो रहे हैं। हजारों लड़कियां यहां से पढ़ पढ़ के समाज में जा रही हैं, और हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम वैसी फोर मदर्स के कंधों पर खड़े हैं, और उनकी वजह से आज हम सब यहां हैं। तो उनका नमन, उनकी स्तुति और ये कामना दिल में कि जैसे उन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए थे, हम भी इस शरीर को त्यागने से पहले औरों के लिए रास्ते बनाएंगे, उनके रास्तों से कांटे कुछ तो कम से कम कम करके जाएंगे। फ्रेंड्स, द पेट्रियार्कल वायलेंस विच इज ग्लोबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड हैज किल्ड, रेप्ड, हैरेस्ड, मेम्ड मिलियंस ऑफ विमेन एंड गर्ल्स। The latest and the most talked about gang rape and death of the woman in Delhi somehow seems to have woken all of us up. And I would like now for all of us to remember every single woman who has been killed by patriarchy and make a solid commitment and say, bas, no more. Enough is enough of this violence. We will not take any more of this. Saying this on 14th of February, 1 billion women, men and children who love women will rise up and say, enough is enough. I request all of you to please stand in silence for a minute to remember this violence and to say in your heart, ab aur nahi. बैठिए, डिसाइड करके बैठिए कि अब और नहीं, ना मुझ पर ना मेरे पड़ोस में। दोस्तों, बेसिकली आई एम एन एक्टिविस्ट एंड फॉर मी फेमिनिज्म एंड एक्टिविज्म आर द सेम थिंग। फॉर मी देर इज नो वीजा वी, देर कैन बी नो फेमिनिज्म विदाउट एक्टिविज्म, दैट फॉर मी इज क्लियर। In the next 30 minutes which I have, I will speak to the students of Kanodia inside and outside the hall, and I will try and explain to you in as simple a language as possible my understanding of feminism, Narivad. Kul 10 points main bolungi, एक एक करके, और ये मेरी समझ है सिर्फ। फेमिनिज्म, पॉइंट नंबर एक, फेमिनिज्म शायद दुनिया में सबसे बदनाम इज्म है। इससे ज्यादा बदनाम और कोई इज्म मैं नहीं जानती, और फेमिनिज्म के बारे में जितनी अफवाहें हैं उतनी शायद किसी और इज्म के बारे में नहीं है। और इसीलिए
बहुत से लोग और बहुत सी जुझारू महिलाएं भी घबराती रही हैं ये कहने में कि हां मैं फेमिनिस्ट हूं। कुछ तो आगे बढ़ के कहती हैं कि नहीं भैया मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि हाल में हिज होलीनेस द दलाई लामा ने कहा इफ स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन्स राइट्स इज फेमिनिज्म देन आई एम अ फेमिनिस्ट। I want to ask all of you in this room, if standing up for women's rights is feminism, how many of you are feminists? Raise your hands. Well, welcome all the feminists to this feminism seminar. Point number two. This word feminism did not come from the word feminine, which is in many ways the opposite of feminism. It originated from the French word femme, F-E-M-M-E, femme, which means a woman. So kya hai feminism? Feminism ek nazariya hai duniya ko dekhne ka, auraton ki nazaron se दुनिया देखें तो हो गया फेमिनिज्म। नारियों की नजरों से क्यों देखें दुनिया? Why should we look at the world through women's eyes? Only to create a balance. Because for the last 4,000 years, the world has been looked at from the eyes of men, interpreted by men. They created our religions and in our parliaments where 90% men sit. Judgments in the courts are given by men where 99% men are judges. Most of our books have been written by men. तो इस अर्ध सत्य को मर्दों की नजर से परिभाषित दुनिया को सत्य में बदलने के लिए ये जरूरी है कि अब महिलाओं की नजरों से दुनिया देखी जाए। क्या लगता है, ठीक बात है ना? हाँ ठीक है तो जरा बोलते रहो, ठीक है। इसी को कहते हैं नारीवाद। दूसरी बात, व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड थ्रू वुमेन्स आईज, वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, मोस्ट ऑप्रेस्ड। बिकॉज अमंग्स द पुअर वुमेन आर द पुअरेस्ट, अमंग्स द दलित्स the women are the most Dalit, amongst the blacks the women are the most oppressed. To auraton ki nazar se duniya dekhna isliye bhi zaruri hai ki tab duniya sabse oppressed ki nazar se dekhi ja rahi hai, interpret ki ja rahi hai, aur unki nazar se duniya mein badlavon ki maang ki ja rahi hai. What is the definition of feminism for me? In South Asia, about 20 years ago, a group of us met and we gave this simple definition. Suniyega dhyan se. Iske teen bhaag hai. Anyone who recognizes discrimination against women and girls, recognizes discrimination against women and girls. Kahan par? Within the family, at the place of work, and in society in general. And who takes action against this discrimination is a feminist. So, awareness of discrimination, ke haan aisa hota hai. Sexism hamare duniya ka hissa hai. Aur uske baad action lena. कि इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मैं लड़ रही हूं, लड़ रहा हूं. दिस वॉज द सिंपल डेफिनेशन वी गेव. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मैन कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ फेमिनिज्म एंड हैव बीन पार्ट ऑफ फेमिनिज्म. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अ हाउसवाइफ हु इज नॉट पार्ट ऑफ एनी वुमेन्स मूवमेंट बट ब्रिंग्स अप हर डॉटर्स विद डिग्निटी teaches her sons equality,
एंड रिस्पेक्ट फॉर वेमेन इज अ फेमिनिस्ट. अ ब्लैक फेमिनिस्ट बेल हुक्स हैज अ सिमिलर डेफिनेशन, वेरी सिंपल. फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट टू एंड सेक्सिज्म. वॉट इज सेक्सिज्म? Like racism. What is racism? When you discriminate on the basis of race. Sexism is when you discriminate on the basis of sex of a person. So bell hooks says feminism is a movement to end sexism, sexist exploitation and oppression. These simple definitions make it amply clear that feminism is not anti-men. Feminism is anti-discrimination. Feminism is anti-patriarchy. Feminism is anti-sexism. And many men are our partners in this struggle against patriarchy. अगर किसी पुरुष के खिलाफ भी सेक्सिज्म होता है तो मेरे जैसी बहुत सी फेमिनिस्ट्स उसको फेमिनिज्म का हिस्सा है. नंबर तीन, फेमिनिज्म हैज टू पार्ट्स. इट इज अ डिस्कोर्स, इट इज अ पर्सपेक्टिव, इट इज अ थ्योरी ऑफ चेंज. सेकेंड पार्ट, इट इज एक्शन एंड एक्टिविज्म. फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट वॉक ऑन टू लेग्स, a leg of action and a leg of theory. And these two interact constantly. Theory informs our action. Actions inform our theory. In dono pairon par chalna. Mere liye feminism hai. Aur jaisa maine pehle kaha, mere liye activism feminism ka abhinn अंग है. विमेन स्टडीज फेमिनिज्म की बेटी है. फेमिनिज्म हैज क्रिएटेड द मूवमेंट ऑफ विमेन स्टडीज, फेमिनिस्ट स्टडीज. सा विद्या या विमुक्ते. शिक्षा वो है, विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है. That is education which liberates us, which opens us, which makes us make new paths. तो यहां मैं आपको एक कविता सुनाती हूं जो मेरी नजर में फेमिनिज्म से जुड़ी है और फेमिनिस्ट स्टडीज से जुड़ी है. एक पिताजी अपनी बेटी से पूछते हैं, पढ़ना है पढ़ना है. अरे तुम्हें क्यों पढ़ना है? पढ़ने को बेटे काफी हैं. तो बेटी को ताव आ जाता है. कहती है, जब पूछा ही है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है? पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है. मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है. सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है. और कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है. क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है. फिर पिताजी किसे आंखें मिलाती हुई बोली, मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है. मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है. मुझे अपने पांवों चलना है सो पढ़ना है. मुझे अपना आप ही घड़ना है सो पढ़ना है. क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे लड़ना है. हर जोर जुल्म से लड़ना है सो पढ़ना है. कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है. मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है. क्योंकि मैं, मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है. क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है. हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है. मीरा का गाना गाना है सो पढ़ना है. मुझे अपना राग बनाना है सो पढ़ना है. और अनपढ़ का नहीं जमाना है सो पढ़ना है. क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है.
यानी वो कहती है कि अगर मैं लड़का होती तो शायद पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं लड़की हूं और मुझे सब कुछ बदलना है, इसलिए पढ़ना है, इसलिए फेमिनिस्ट बनना है, इसलिए विमेन स्टडीज करना है, सिर्फ बड़ी तनख्वाह पाने के लिए फेमिनिस्ट नहीं बनना है। मानते हो तो ताली बजा दो फिर से। पॉइंट नंबर 4, जिस तरह आज सोशलिज्म एक नहीं है, कई तरह के हैं, मार्क्सिज्म एक नहीं है, कई तरह के हैं, फेमिनिज्म भी एक नहीं है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों द्वारा परिभाषित हुआ है। तो हमें एक्चुअली फेमिनिज्म कहने की जगह फेमिनिज्म्स कहना चाहिए इन प्लूरल। हिंदू धर्म भी कई तरह के हो गए, इस्लाम में भी शिया सुन्नी वहाबी सब आ गए, ठीक उसी तरह फेमिनिज्म अलग अलग तबके की, अलग अलग रेस की, अलग अलग केस की, क्लास की, दलित फेमिनिज्म अलग है, ब्लैक फेमिनिज्म अलग है, गांधीयन फेमिनिज्म है, लिबरल फेमिनिज्म है, मगर सब में एक बात एक है कि ये सब पितृसत्ता के खिलाफ है। कुछ फेमिनिस्ट सिर्फ जेंडर की बात करती हैं, जेंडर रिलेशंस को बदलने की बात करती हैं, मगर मेरे जैसी बहुत और फेमिनिस्ट हैं जो समझती हैं कि जेंडर केवल एक सिस्टम है, इसके साथ साथ दुनिया में क्लास भी है, कास्ट भी है, रेस भी है, तो वो इन सब सिस्टम्स को जोड़ के देखती हैं। मैं औरत हूं, लेकिन औरत होने के साथ साथ मैं अमीर औरत हूं, अमीर औरत होने के साथ साथ हो सकता है कि मैं घर में अपनी नौकरानी के साथ बदतमीजी करती हूं, मैं मध्यम जाति की औरत हूं, हो सकता है मैं दलितों के साथ बदतमीजी करती हूं, मैं वाइट औरत अगर है उसका ब्लैक औरत से क्या रिश्ता है। तो बहुत सी फेमिनिस्ट इन तमाम आइडेंटिटीज को लेकर पहचान कर चलती हैं और समझती हैं कि इन सब हायरार्कीज से, इन सब ऊंच नीच से हमें मिलकर लड़ना है। ओके, ऑलराइट। मुझे कह रहे हैं कि अंग्रेजी में बोलो, मेरा तो जबाड़ा दुखता है अंग्रेजी बोलने से, पर करती हूं कोशिश थोड़ा थोड़ा। नंबर पॉइंट नंबर 5, देर इज नो वन मामा और पापा ऑफ फेमिनिज्म। इन मार्क्सिज्म देर इज वन कार्ल मार्क्स, द बिग पापा ऑफ मार्क्सिज्म। गांधीइज्म डिफाइंड मेनली बाय गांधीजी। इन फेमिनिज्म यू विल नॉट हियर द नेम ऑफ 1, 2, 3, even 100 वुमेन। Feminism has been defined by thousands of women and sometimes men like Ambedkar, like Phule. So 1,000 flowers have blossomed, have bloomed in feminism. Thousands of voices have expressed feminism, which is fantastic, but which also creates problems. People say, "Are they different languages?" Yes. Different realities, different languages. I think these multi languages of feminism have enriched us, have rooted us. In America, there was no dowry. So American feminists did not talk about dowry. They did not talk about sati. We did. That means we were not copying American feminism. We were not copying British feminism. But there are some common issues. Rape is a global issue. Domestic violence is a global issue. Equal wages is a global issue. Women's political participation is a global issue, etc., etc., etc. These are our common global struggles. So feminism is both local
एंड ग्लोबल. सिस्टरहुड इज ग्लोबल बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो रूटेड एंड इट इज लोकल एंड दैट इज वॉट आर स्ट्रगल्स हैव बीन लोकल एंड ग्लोबल. पॉइंट नंबर सिक्स, आई बिलीव फेमिनिज्म हैज बीन एंड शुड बी लाइक वॉटर. वॉटर टेक्स द शेप ऑफ द पॉट इट इज पुट इन टू. इफ इट इज पुट इन टू माई अंजलि इट टेक्स द शेप ऑफ माई अंजलि. इन दिस बॉटल इट टेक्स द शेप ऑफ द बॉटल. इट बिकम्स वॉट द सिचुएशन डिमांड्स एंड दैट्स वॉट फेमिनिज्म हैज बीन. रूप कंवर टुक प्लेस इन राजस्थान. राजस्थान वुमेन्स मूवमेंट टुक इट अप. इन बांग्लादेश मेन स्टार्टेड थ्रोइंग एसिड ऑन वुमेन. दे टुक अप द एसिड स्ट्रगल. इन यूरोप 16th and 17th and 18th century, millions of women were killed as witches. Millions killed by the church, killed by the male medical establishment who were not happy with the midwives, with the nurses. There, that was the issue. In Africa, female genital mutilation takes place. There, that is their major issue. So feminism should be like water. Water everywhere is H2O. शेप चाहे कुछ भी हो है तो H2O. फेमिनिज्म का मुद्दा चाहे कुछ भी हो है तो पितृसत्ता के खिलाफ. बात आई समझ में? आई. जोर से बोलो आई. नंबर सेवन, बिकॉज पेट्रियार्की इज एवरीवेयर इन रिलीजन, इन कल्चर, इन एजुकेशन, इन द पार्लियामेंट, इन द पंचायत, in the courts. So feminism has to be everywhere and it has been everywhere. So we have feminist theologians reinterpreting religion, feminist academics reinterpreting academia, feminist filmmakers, poets, songwriters. Feminists have been everywhere and will be everywhere. In the science, in law, everywhere. जहां जहां पितृसत्ता है वहां वहां फेमिनिज्म उठेगा, उठेगी और उसकी मुखालफत करेगी. तो ये है हाइड्रा हेडेड फेमिनिज्म टू अपोज हाइड्रा हेडेड पेट्रियार्की. नंबर आठ, फेमिनिज्म का सबसे महत्वपूर्ण नारा रहा है The personal is the political. निजी ही राजनैतिक है. What is the meaning of politics? Politics means looking at power relations and challenging power relations. This slogan, personal is the political, has several meanings. The first meaning is patriarchy divides society into two separate parts. यह domestic है, ये घरेलू मामला है. ये औरतें घर में रहेंगी, ये घरेलू मामला है. तो घर के अंदर अगर मार पड़ती है तो पेट्रियार्की कहती है कि देखो घरेलू बात है, उसमें मत जाओ तुम. ये पब्लिक है और पब्लिक में पुरुष जाएंगे, अच्छी औरतें पब्लिक में नहीं जाती. जाती हैं तो उनका बलात्कार किया जा सकता है. फेमिनिस्ट कहती हैं ये डिवाइड गलत है, बेकार है और हम इस डिवाइड को नहीं मानते क्योंकि पर्सनल इज द पॉलिटिकल. अगर हर घर में औरत मार खा रही है तो ये पब्लिक इश्यू है, ये घरेलू इश्यू नहीं है और हमें इससे लड़ना होगा. इसका दूसरा मतलब है एवरी पर्सनल डिसीशन ऑफ माइंड, एक्शन ऑफ माइंड इन्फ्लुएंसेस अदर्स, इन्फ्लुएंसेस द पब्लिक. अगर आप में से कोई भी लड़की औरत दहेज लेकर शादी करती है, ये आपका पर्सनल मामला नहीं है.
आपकी ये बीमारी छूत की बीमारी है, दूसरों को भी लगेगी। अगर मैं अपने पति से मार खाती हूं घर में, ये भी केवल मेरा पर्सनल मामला नहीं है, इससे मेरे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, मेरे पति पर प्रभाव पड़ता है, उसको लगता है कि मैं तो परमेश्वर हूं, मैं तो मार सकता हूं रोज इसको। और जिस दिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कह दिया कि बस हो गया, आज इसके बाद कुछ नहीं, वो भी पर्सनल डिसीशन नहीं है, इट इज अ पॉलिटिकल डिसीशन, इट विल अफेक्ट माय चिल्ड्रन, इट विल अफेक्ट एवरीबॉडी इन माय फैमिली एंड इट विल इंस्पायर अदर्स। इफ शी कुड फाइट डोमेस्टिक वायलेंस, सो कैन आई। द थर्ड मीनिंग ऑफ पर्सनल इज पॉलिटिकल इज, इफ आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड आई विल हैव टू बिगिन विद माई सेल्फ, I will have to change myself. I will have to watch myself. I will have to see, do I really want to have an arranged marriage? Will that really make everybody happy? If I am not happy, how can anybody else be happy? Will I follow traditions which are unjust? Will I do things which are wrong? So, sabse pehli लड़ाई फेमिनिस्ट की खुद से होती है। एंड दिस ब्रिंग्स टू माय पॉइंट नंबर 9, फेमिनिज्म इज अ वेरी डेंजरस इज्म, खतरनाक इज्म है। और अगर आप लोग अभी तक फेमिनिस्ट नहीं हो तो भगवान की कसम है, जरा ध्यान से फेमिनिज्म को अपनाना। एक बार फेमिनिस्ट बन गए तो आपकी तो मिट्टी पलीत है, ना तो किसी जोक पर हंस सकती है, बिकॉज ज्यादातर जोक्स एंटी वेमेन होते हैं, ना कोई बॉलीवुड फिल्म पसंद आएगी क्योंकि उसमें बेहुदा गाना आएगा कि मेरी फोटो चिपका ले सीने के साथ, और ऐसी बेहुदी लाइनें लौंडिया पटाएंगे। इसमें रेली हंसने की बात नहीं है, इसमें तो शर्म आनी चाहिए उनको जो ये गाने लिखते हैं, और उनको जो इस फिल्म को देखने जाते हैं और 100 करोड़ का बिजनेस देते हैं। मैं केवल उनको दोष नहीं देती जो लिखते हैं, हम भी तो उनको 100 करोड़ का बिजनेस देते हैं, और जब वो ये गाना सुनाते हैं लौंडिया पटाएंगे मिस कॉल देके, शर्म नहीं आती उन लोगों को, उन सबके घरों में बेटियां हैं जो कल सड़कों पे नोची जाएंगी। एक बार फेमिनिस्ट बन गए तो आपकी लड़ाई परिवार के अंदर आ गई। दिस इज द ओनली इज्म व्हिच टेक्स द स्ट्रगल, व्हिच टेक्स पॉलिटिक्स विद इन द फैमिली, व्हिच टेक्स इट इनटू द बेडरूम। इफ यू आर अ फेमिनिस्ट, यू लुक एट योर ब्रदर एंड यू आस्क हिम, भैया यू टेल मी यू लव मी, but you are taking 100% of the property, you've just given me 10 lakhs for the hedge, but that crores property tu kha raha hai baith ke, usko sawal karna padta hai, pitaji ko puchna padta hai, pitaji main bhi to tumhare jism se janmi hu, dharmo ko sawal karna padta hai ki meri maa mari hai to main usko agni kyun nahi de sakti hu, और मेरा अगर कोई भाई नहीं है तो भाड़े पे भाई लाके वो अग्नि देते हैं मेरी मां को, जैसे मेरा शरीर नापाक है, अशुद्ध है, मैं अग्नि दूंगी मेरी मां को तो जैसे वो नरक में जाएगी। मैंने अपनी मां को अग्नि दी थी और मुझे यकीन है कि वो उस वजह से तो नरक में नहीं गई होगी। मुझे भैया दूज को पुनः परिभाषित करना पड़ा। मैंने कहा ये भैया दूज क्यों, हर चौथे महीने में भैया की पूजा, इसको बहन भाई दूज क्यों नहीं कहते हैं? भैया बहन को टीका लगाए और कहे बहन अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू मेरी रक्षा करना। कनौरिया कॉलेज की हर लड़की हर भाई की रक्षा कर सकती है। हम रक्षा करने के लायक बन गए हैं और रक्षा कर सकते हैं, और लाखों औरतें इस देश में, लाखों नहीं करोड़ों औरतें इस देश में परिवार चला रही हैं।
सिंगल विमेन है, विमेन हेडेड हाउस होल्ड है जो अपने परिवार चला रहे हैं। तो भैया दूज को बहन भाई दूज बनाना होगा, रक्षाबंधन के दिन भाइयों को भी बहनों को राखी बांधनी होगी, और करवा चौथ अगर होना है तो पति देव भी भूखे रहे। और अपनी पत्नी को कहें कि पत्नी मैं तेरा पति नहीं हूं, पति का मतलब होता है मालिक, कि पत्नी मालिक तो भारतवर्ष में अब संविधान के बाद कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भारतवर्ष का संविधान कहता है मैन एंड वेमेन आर इक्वल। द वर्ड पति, द वर्ड स्वामी, द वर्ड हस्बैंड मीन ओनर्स, मैनेजर्स, डोमेस्टिकेटर्स, एंड दे आर एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फेमिनिज्म मीन्स चेंजिंग दीज वर्ड्स। फेमिनिज्म मीन्स कन्यादान ना तो शब्द होगा ना परंपरा होगी, कन्याओं का दान भारतवर्ष के संविधान के अंतर्गत नहीं हो सकता। और मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा ग्रंथ आज मेरा संविधान है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ कई बार मुझे नीचे ले जाते हैं, मगर मेरे संविधान के ग्रंथ ने मुझे कहा है कि तू तो बराबर है, तू नीचे नहीं जा सकती। मेरा दसवां पॉइंट है, फेमिनिज्म के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, मैं तीन अफवाहें लेती हूं और उनको खंडित करती हूं। पहली अफवाह है कि वी आर एंटी मैन। आई हैव ऑलरेडी सेड फेमिनिज्म इज नॉट एंटी मैन। मैन हैव बीन आर पार्टनर्स, ऑल गुड मैन, ऑल इक्वालिटी लविंग मैन विल बी आर पार्टनर्स, एंड दे हैव ऑलवेज बीन आर पार्टनर्स। फॉर दोज हु डोंट नो, महात्मा गांधी वॉज अ मैन एंड ही फॉट फॉर अस। अंबेडकर वॉज अ मैन एंड ही फॉट फॉर अस। मार्टिन लूथर किंग वॉज अ मैन एंड ही फॉट फॉर अस। एंड आई कैन गिव यू नेम्स ऑफ मिलियंस ऑफ दीज मैन। वी आर अगेंस्ट अ सिस्टम कॉल्ड पेट्रियार्की। फेमिनिस्ट की लड़ाई, फेमिनिज्म की लड़ाई औरत और मर्द के बीच की लड़ाई है ही नहीं। जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई स्त्री पुरुष के बीच की लड़ाई नहीं है, तो काय की लड़ाई है? ये दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक विचारधारा कहती है पितृसत्ता बेहतर है, दूसरी विचारधारा कहती है कि नहीं, इक्वालिटी बेटर है। वन माइंडसेट सेज पेट्रियार्की इज बेटर, द अदर माइंडसेट सेज इक्वालिटी इज बेटर। एंड ऑन बोथ साइड्स वी हैव मेन एंड वेमेन। देर आर मेनी मेन हु से इक्वालिटी इज बेटर, एंड देर आर मेनी वेमेन हु बिलीव patriarchy is better. They perpetuate patriarchy in home after home after home. दूसरी हमारे बारे में अफवाह है कि हम धर्मों के खिलाफ हैं। नहीं, हम सच्चे समानता पर आधारित, न्याय पर आधारित धर्मों के खिलाफ नहीं हैं, हालांकि अभी ऐसे धर्मों को बनना है। मेरी नजर में तमाम धर्म जो आज हैं वो पुरुषों द्वारा बनाए, पुरुषों द्वारा परिभाषित, पुरुषों द्वारा लागित किए गए हैं, और वो कहीं ना कहीं औरत को नीचा मानते हैं। कोई भी धर्म आज औरत को उस धर्म का सर्वे सर्वा गुरु नहीं बनने देता। अ वुमन कैनॉट बी अ पोप बाय डेफिनेशन, अ वुमन कैनॉट बी अ दलाई लामा बाय डेफिनेशन, अ वुमन कैनॉट बी अ धर्माचार्य शंकराचार्य बाय डेफिनेशन। And we do not accept religions who define 50% of humanity as secondary, as no good, because a god which makes 50% people no good is really a very inefficient god in my opinion. What do you think? Kya dar gaye dharm se? Dar gaye, chup ho gaye? तो जनाब, हम धर्मों के खिलाफ नहीं है, हम केवल धर्मों में भी समानता चाहते हैं। हम कल्चर के खिलाफ नहीं है जो कल्चर बराबरी पर आधारित है, मगर अगर भारत की कल्चर दलितों को नीच समझती है तो संविधान की रक्षा करते हुए मैं इस कल्चर के खिलाफ हूं। अगर मेरी कल्चर मुझे कमतर समझती है तो भारत के संविधान को मानते हुए
अपनी अंतरात्मा को मानते हुए मैं उसके खिलाफ हूं और बोलूंगी। जो कोई भी कल्चर ह्यूमन राइट्स की अवहेलना करती है, मैं उस कल्चर को अपने माथे नहीं लेकर चलूंगी। नंबर 4 अफवाह है कि हम शांतिपूर्ण परिवारों को तोड़ते हैं। पहले तो मुझे शांतिपूर्ण परिवार को ही दिखाओ, उसको तोड़ू कहां, कोई शांति है? सारे भ्रूण हत्याएं परिवारों में, सारी दहेज हत्याएं परिवारों में, सारी सतियों का वध परिवारों में, डोमेस्टिक वायलेंस परिवारों में। तो हम दोस्तों किसी शांतिपूर्ण परिवार को तोड़ते नहीं है, हम तो परिवारों में शांति चाहते हैं, इसलिए हंगामा करते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये परिवार बदलने चाहिए। हर परिवार में समानता चाहती है नारीवादी, हर परिवार में डेमोक्रेसी चाहती है नारीवादी, हर परिवार में प्यार चाहती है नारीवादी। नारीवादी चाहती है कि परिवारों में पतियों की जगह जीवन साथी आए, परिवारों में केवल लड़के न पनपें, लड़के लड़कियां दोनों पनपें, और परिवारों में एक भी रेपिस्ट पैदा न हो। सब लोग हंगामा कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मैं हंगामा कर रही हूं अपने खिलाफ। मेरे परिवार में क्यों इतने रेपिस्ट पैदा हो गए? ये रेपिस्ट चांद से नहीं आ रहे, हमारे परिवारों से आ रहे हैं। परिवार जब तक नहीं बदलेंगे, पुलिस कैसे बदलेगी? वहीं से तो आते हैं ये पुलिस वाले। ये नेता कैसे बदलेंगे? ये आशाराम बापू जी कैसे बदलेंगे? वो भाई साहब, वो प्रेसिडेंट के पुत्र बंगाल में कैसे बदलेंगे? उनकी बदकिस्मती यह है कि उन्होंने मुंह खोला। आप 80% भारतीयों के मुंह खोलवा लो, वहां से वही आवाज निकलती है कि लड़कियों को तो घर में रहना चाहिए, लड़कियां शाम को क्यों बाहर जाती हैं। इस मानसिकता के लिए आप और मैं जिम्मेदार हैं, और मेरी सबसे बड़ी उंगली उठती है अपनी तरफ, क्योंकि मैं नारीवादी हूं। और हमें हर परिवार में बदलाव लाने होंगे, हमें वो बदलना पड़ेगा। 4th-5th अफवाह है कि फेमिनिज्म तो वेस्टर्न है, पाश्चात्य से आया है, फॉरेन हैंड है। मैं कहती हूं कि इवन इफ फेमिनिज्म वॉज वेस्टर्न, बट इफ इट वॉज अ गुड आइडिया आई वुड एक्सेप्ट इट। पोलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म केम फ्रॉम देयर, वी हैव अडॉप्टेड इट। फेमिनिज्म इज नॉट वेस्टर्न, इट इज लोकल। महात्मा बुद्ध के टाइम से मैं आपको कहानियां सुना सकती हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया तो मैं कहानी नहीं सुना रही। प्रॉफेट मोहम्मद, 1400 ईयर्स अगो द मैन टुक ऑन द स्ट्रगल अगेंस्ट पेट्रियार्की। 1400 ईयर्स अगो, वेयर वॉज वेस्ट? वेयर वर देयर राइट्स? इस्लाम इज द ओनली रिलीजन विच हैज टेकन अप द फाइट अगेंस्ट वुमेन इन अ राइट वे। Don't judge Islam by what these fundus are doing today. Some fundus are doing today. So, feminism is very much Indian, very much local. At Mahatma Buddha's time, women went and said, Buddha, we want to join your Sangha. He said no first. Women didn't go back. They went to Ananda and said, see, your director is saying, we can't join. तो आनंदा went to Mr. Buddha and said, Buddha, वो तो हड़ताल कर रही है, वो नहीं जाएंगी। 2500 years ago in India, this debate taking place for women's rights within religion. Hinduism had not given them these rights. So they went to the Buddha. And after these debates, the Buddha said, yes, you may join. But yes, Buddha also made 8 rules which made Buddhist bhikkhunis lower than Buddhist bhikkhus. That is true. But I do not expect the Buddha to make 100% changes 2500 years ago. But he took a revolutionary step of allowing women to come in.
So for me, Buddha is a feminist, and those 500 women who went to the Buddha were feminists fighting for their rights. So this is what it is, friends. Many, many more things to say, but other people will say, if my friends will allow me, we can sing the song. If they don't allow me, I will shut up and say thank you very much. I had actually introduced you. जिसमें एक छोटी सी लड़की है राजस्थान की, यूपी की, पाकिस्तान की, जो अपने माँ बाप से कह रही है और आप मेरे साथ गाएंगी कि मूसी के अब जी ना पाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, मूसी के अब जी ना पाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, थोड़ा जोर से गाना पड़ेगा, और विष पी के अब जी ना पाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, विष पी के अब जी ना पाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, अम्मा कहे बिटिया शीश झुकाना, अम्मा कहे बिटिया शीश झुकाना, सर को मैं अब ना झुकाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, सर को ना अब मैं झुकाऊंगी जरा सबसे ये कह दो। तालियां ध्यान से। अब्बा कहे बिटिया पढ़ने ना जाना, अब्बा कहे बिटिया पढ़ने ना जाना, अपना मैं ज्ञान बढ़ाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, अपना मैं ज्ञान बढ़ाऊंगी ये कह दो, अपना मैं मान बढ़ाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, भैया कहे बहना चौखट ना लांघो, भैया कहे बहना चौखट ना लांघो, ओ बहना चुप क्यों हो, मुंह चलाओ, ऐसे नहीं बैठूंगी मैं यहाँ, भैया कहे बहना चौखट ना लांघो, भैया कहे बहना चौखट ना लांघो, चार दीवारी को गिराऊंगी जरा सबसे ये कह दो, चार दीवारी को गिराऊंगी पिंजरों से पीछा छोड़ाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, पिंजरों से पीछा छुड़ाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, शासन करे पिता पति है स्वामी, अब ना गुलामी सह पाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, अब ना गुलामी सह और रिश्ते बराबर के बनाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, रिश्ते बराबर के बनाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, दुनिया कहे मुनिया मन की न करना, दुनिया कहे मुनिया मन की न करना, मन को न अब मैं दबाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, अपने भी सपने सजाऊंगी जरा सबसे ये कह दो, बोल नारी शक्ति की। देखिए दिल्ली घटना ने न जाने क्यों पूरे देश को जगा दिया, हम जो महिला आंदोलन के हिस्सा हैं, हमें लगा कि पहली बार इतिहास में महिलाओं का ये मुद्दा, बलात्कार का मुद्दा, आप सबका मुद्दा बन गया। आज कोई अखबार उठा के देख लीजिए, उसमें दो तीन चार बातें होंगी, लेख होंगे। तो अब ये केवल महिला आंदोलन का मुद्दा नहीं रहा है, हमें इस बात की तो बहुत खुशी है। मैं ये मानती हूँ कि कानून आवश्यक है, मगर मैं सजाए मौत के खिलाफ हूँ। मैं समझती हूँ कि हर इंसान बदल सकता है, उसको आप उम्र कैद दे दीजिए, और मैं कैस्ट्रेशन वगैरह के उस तरह के खिलाफ हूँ। मेरी नजर कानून पर, पुलिस पर, सरकार पर मगर बाद में जाती है, पहले मेरी नजर मेरे परिवारों पे जाती है।
कैसे हैं वो परिवार जो उस तरह के लड़के पैदा करते हैं जो उस बस में चढ़े हुए हैं, कैसे हैं वो परिवार जो 40% हमारे पुरुष अपनी पत्नियों को मारते हैं। तो मेरी पहली उंगली अपनी तरफ उठती है, अपनी परंपराओं की तरफ उठती है। कानून तो बाद की बात है, कानून आता है रेप होने के बाद। मेरा प्रश्न है रेप होने के पहले। और आज यहाँ जिस चीज की बात हो रही है, नारीवाद जो पितृसत्ता के खिलाफ है, पुरुषों के खिलाफ नहीं है, ये बराबरी के लिए हमारा आंदोलन है जिसमें औरतें और पुरुष दोनों मिलकर हमारे साथी हैं। गांधी जी हमारे साथी थे, महात्मा बुद्ध ने स्त्री पुरुष समानता की बात की, अंबेडकर जी ने इसकी बात की। ये आंदोलन पितृसत्तात्मक विचारधारा के खिलाफ। मैडम क्या लगता नहीं कि जो देखिए दुरुपयोग करप्शन के कानून का भी है, दुरुपयोग मीडिया के कानूनों का भी है। आप लोग हमेशा एक ही कानून के दुरुपयोग की बात करते हैं, हर कानून का दुरुपयोग होता है। इसीलिए मेरा प्रश्न है कि ये कैसा समाज है जो कानून का भी दुरुपयोग कर लेता है, धर्म का भी दुरुपयोग कर लेता है, कल्चर का भी दुरुपयोग कर लेता है। क्या है हमारे अंदर जो परिवारों के अंदर बलात्कार होते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हिंसा परिवारों में होती है। इस देश में कई लाख बच्चियों को हर साल परिवार मारते हैं क्योंकि उनको बेटी नहीं चाहिए। 40% पुरुष महिलाओं पर हाथ उठाते हैं परिवारों में। तो भाई लोकपाल हमें चाहिए, लेकिन सत्यपाल हर घर के अंदर चाहिए, हर दिल में चाहिए। आपको कानून और बिल बदलने हैं, मैं बात करती हूँ दिल बदलने की। हमें अपने दिल बदलने हैं जो ये मान लें कि एक परिवार में लड़की और लड़के में क्या फर्क है। स्त्री और पुरुष अगर मिलकर नहीं रहेंगे तो क्या परिवार आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो ये मानती हूँ दोस्तों कि मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा ग्रंथ आज मेरा संविधान है, और मेरा संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष बराबर है।